ये इतना आसान नहीं है, हम बहुत करीब हैं। आपको एंट्री मारनी ही होगी, प्लीज बॉस। यहां से जाने नहीं देगा। तो क्या करें सर? यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। ठीक है, तुम उस रास्ते से भागो। बॉस, साथ में जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है बॉस। जैसे ही तुम उस रास्ते से भागोगे, मैं दूसरे रास्ते से भागूंगा। फिर ये मेरा पीछा करेगा। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी, सुपर बॉस। पर आपका क्या होगा बॉस? किशोर, बॉस तुम अभी जवान हो, तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य है। तुमने अभी तक अपनी गन तक नहीं चलाई। गन तो मेरे पास है भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस, लेकिन बॉस मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लीज वेट बॉस, बॉस रेडी। 1, 2, 3। बॉस आप वहां क्यों खड़े? इस रास्ते से भागिए ना। ओह किशोर, तुम अभी तक प्लान समझ नहीं पाए। नहीं, डोंट कम प्लीज, डोंट कम। बचाओ, हेल्प प्लीज, भगवान बचाओ मुझे, हेल्प। अरे नहीं, कहां फंस गया मैं? इन्हें मेरी सेफ्टी की जरा भी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं इनका पीए हूँ, पर हमेशा इनके झांसे में आ ही जाता हूँ। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि सुगंध को महसूस करना इनका जुनून है। इनके घर में लैब है, मेरा मतलब परफ्यूम लैब। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस हैं। बूची ग्लूम, रोबो बकानो, सेल्विन क्लीन जैसे बेहतरीन ब्रांड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है। मुझे केले की जरूरत है। सॉरी बॉस, जो आखिरी बचा था वो तो मैंने खा लिया। शायद किचन में। कोई चांस नहीं है बॉस, पूरे घर में तो क्या, लैब में भी एक भी केला नहीं बचा। बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है। इनकी सूंघने की शक्ति भालू से भी तेज है। वेरी पावरफुल नोज। उस डस्टबिन से खुशबू आ रही है। इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस। ओहो, क्या हुआ बॉस? एक चीज तो भूल ही गए। क्या चीज? वो मास्क देना। ओ हाँ, अभी देता हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बॉस? बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। फैंटास्टिक! ये खुशबू के प्रेमी हैं और हमेशा गंदी बदबू से दूर भागते हैं। बॉस बॉस बॉस, क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? अरे आसपास कोई मछली पका रहा है। बॉस यार, कई किलोमीटर तक इंसान तो क्या घर भी नहीं है। शायद ये बदबू किसी दूसरे शहर से आ रही है। अब आप दूसरे शहर की बदबू भी सूंघने लग गए बॉस। मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, मास्क लेकर आता हूँ। मेरे बॉस की एक और खासियत है, इन्हें सब कुछ वेल मैनेज चाहिए। घर में फर्नीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए उनकी अपनी अपनी जगह पर। खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है। अगर प्लेट में जरा सी भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है, इसीलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोजेबल प्लेट और कप का इस्तेमाल करते हैं। इनकी लाइफ में हर चीज यूज एंड थ्रो है। वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के सनकी है, पर इनका डिसाइड कर ही लिया है। मैं अब शादी करूंगा तो किसी पोर्चुगल लड़की से ही करूंगा। क्या है कि इंडियन लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ होती हैं सर। क्या है कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के लोगों से घुल मिल गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। वैसे मेल जोल करना एक कला है सर, ये कला हर किसी के पास नहीं होती है सर। किसी के पास। जरा उधर देख सर, वो दिखने में इंडियन लग रही है ना। हाँ सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर।
वन लार्ज प्लीज. इन दिस प्लीज एंड नो टैप वाटर प्लीज. गुची ब्लूम इंडियन. या ये परफ्यूम मैंने बनाया. इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है. ओह रियली? तुम समझदार हो और क्रिएटिव भी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं देख पाते. लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती. तो उनकी सलाह की जरूरत नहीं. करेक्ट बोल रहा हूं? हर सैटरडे मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं. उन्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी है. One second. Why? Chances होने भी नहीं देते. Hello sir. Hello, Kishore. हाँ sir, बोलो. Kishore, यहाँ match शुरू होने वाला है. Helmet चाहिए. सर हाउ स्वीट ऑफ यू सर, आपने फोन करके मुझे याद दिलाया. मैं कल मैच की हाईलाइट देख लूंगा. गुड नाइट सर. हे, कॉन्डम चाहिए? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ. क्या मैं उनका पीए हूँ या कुछ और हूँ? इस वक्त उनके पेट में पंच भी नहीं मार सकता हूँ. ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? अरे भगवान, गॉड प्लीज हेल्प मी. अरे हो गया, अब तो जा. सर आई गॉट इट सर, आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं. सब हिल रहा है, ये क्या हो रहा है? नो 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 सर 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 ओपन द डोर सर. क्या है? आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गए सर. इसे यूज कीजिए वरना दुर्घटना घट जाएगी सर. मैम एक मिनट रुक सकती हैं आप? डैम सर, वो मैं उसके पास एक था, अब डिस्टर्ब मत करना. इन्हें डिस्टर्ब मत करना, बोलते हुए शर्म भी नहीं आती. आधी रात को तुम्हारे लिए परेशान. ओके ओके ओके. नो नो नो, इट वॉज देयर. सो आई रियली हैड अ गुड टाइम. ओ या, मैं तुमसे पूछने वाली थी, ये टैटू? ये एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था. प्यार वो तो मैंने बस इसी से किया है. हॉट एंड इमोशनल, आई लाइक दैट. यू द बेस्ट आई हैव एवर हैड. क्या हम दोबारा मिलेंगे? मैं समझ गई, शायद नहीं. आई थिंक इट्स बेस्ट दिस वे. हे किशोर, एक काम कर, उसे घर छोड़ दे, बहुत देर हो चुकी है. मैं जाऊं सर उसे छोड़ने के लिए? हाँ जाना यार. ठीक है, दो दिन के बाद आऊंगा. Hmm.
मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है, छोटी सी कहानी, उनकी लाइफ के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है, उनका फर्स्ट क्रश रोमा, पूमा, शिशिशी। सुमा भैया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। यस। तुम क्या करती हो भूमा? भूमा नहीं, सुमा। चलो जो भी हो, करती क्या हो तुम? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, न्यूरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है। तुम एक सर्जन हो, तो फिर क्या तुम मेरे भाई का ख्याल नहीं रख पाओगी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? उमा, तुम्हें कपड़े धोने तो आते हैं ना? उमा नहीं, सुमा। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कपड़े धोना, और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है। हाँ, मतलब तो क्या तुम हमारे सैम का इस्तेमाल कर रही हो? सुमा, सुमा, प्लीज मत जाओ, रुको रुको रुको, मत जाओ प्लीज, सुमा। SUMA, सुमा, उमा नहीं, उपमा नहीं, मैं उनसे नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है भूमा। सॉरी, सुमा, सुमा। तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा? मेरी तरफ तारी क्यों? तुम बस उन्हीं की तरफ थे। ऐसा करो, उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि हमारे बीच सब खत्म हो गया। दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। ऐसा मत करो सुमा, सुमा। तुम लोग इंसान हो या राक्षस, वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तू चुप हो जा, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उससे शादी कौन करेगा? तू चुप कर संगीता, मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती हैं? औरत ही औरत की दुश्मन है, ना कि आदमी। तो क्या तुम्हें लगता है हमारे पास और कोई रास्ता है? क्या तुमने कभी खाना बनाया है? क्या कभी साफ सफाई की है? क्या कभी कपड़े धोए हैं? जिससे तू शादी करेगा उसे ही आना चाहिए ना, वरना तुम्हारा घर कूड़े का ढेर हो जाएगा। ऐसे उपदेश देना बंद करो। मैं किसी को रख लूँगा। पोर्चुगल में ये इतना आसान नहीं है। कोई काम से खाली नहीं रहता। तो मैं खुद करूँगा, मैं खुद करना सीख लूँगा। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भैया श्वेता, तुझे इन राक्षसों के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तू मेरे साथ आ जा। ए, खाना तो खा ले। तू खा। तो ये है मेरे बॉस की फैमिली, ये है स्वर्णा द बैड कॉप, ये हर चीजों में टांग अड़ाती है, ये है संगीता द गुड कॉप, प्यार के मामले में बिल्कुल मुंह फट, लेकिन ये दोनों ही जालिम है, और ये है श्वेता मेरे बॉस की लाडली। बॉस के दादाजी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है, सदाशिव जी, वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे, और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ एक है, उनकी माँ। ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, कभी बैड कॉप बन जाती है और कभी गुड कॉप बन जाती है। सुमा, उस दिन मेरे बॉस बहुत ज्यादा दुखी थे, वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में वो कुछ कर... Did you see her? She's damn hot, man. Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika. Hello. I'll just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. No, no, yeah, she's not bad. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go, doctor. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me. An innocent Indian girl coming your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks? Hey, who are you? Why don't you mind your business? Just go from here. Okay. Listen, shut up. If you're abusing, abuse it in Hindi. At least I can understand. Are you leaving or you want me to help you? Please take your seat.
Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on. Go, talk to her. Talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give her more. Come on, more, more. Yeah, why me? I'm telling you. Okay. Hey, did you look at him? Look at him, look at him. Hey, we've got her, bro. Hey. Did you see that? But she's his. Man. His, yeah. Understood? Yeah. Go find someone else for yourself. Your loan is a play of swords. Sometimes on who you are. Sometimes okay, go talk to her. Come on, go talk to her. Hey, beautiful. Should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Oh, okay, no problem. इसीलिए मैंने कहा था शी इज माइन. गो 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 गो. सच अ डेंजरस बेब. आई लव यू मोर. गिव मी मोर. डॉक्टर ने क्या कहा माँ? कुछ नया नहीं, वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर पर कंट्रोल करना होगा, और क्या. आप कभी साफ साफ नहीं बताती. ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे, जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ. माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती. आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? वो नालायक है, उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है. मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है. आप देख लीजिए कमा, एक दिन जरूर होगी. इसी बात का तो डर है, कहीं उसके जानने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं, तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी. माँ, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मैं चैन से मर पाऊंगी. मुझे उससे बात करनी होगी, जल्दी ही करनी होगी. किशोर सर, जरा जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी. आ रहा हूँ सर. ए, जल्दी करना यार, लेट हो रहा है. माँ, हर संडे हम लौकी क्यों खाते हैं? मेरा मतलब हम कुछ नया बना सकते हैं ना. मैं बना दूंगा करी, आलू का भरता. मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था माँ. ऐसी बात नहीं है, सदा शिवाराव को लौकी बहुत पसंद थी, इसलिए हर संडे को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ, ये परंपरा है. पर अब तो वो यहाँ है ही नहीं ना. क्या मतलब? जब तक सदाशिव राव वास्तव में नहीं मर जाते, ये परंपरा इसी तरह चलती रहेगी. तुम क्या जरा इन्हें वहाँ रख दोगे? क्या तुमने लौकी बना ली? ये वास्तव में मरना क्या होता है? हाय मामा, बेबी. चलो अंदर जाओ. हेलो मैम. चलो अंदर. मैम सर, ये आपके लिए आइसक्रीम लाए थे. क्यों रे, तो इस भुक्कड़ को हर संडे यहाँ क्यों लेकर आता है? क्या तुझे नहीं पता ये फैमिली लंच है? हाँ मैम, मैं भी सर से यही कह रहा था, सॉरी मैं चलता हूँ. रुक, किशोर यहीं रहेगा. कौन है बेतू? मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आर्किटेक्ट कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं, और तूने बैंड बजा दी. चल है? ओके ओके. चल चल, थैंक यू. ओके, एक्टिंग. इसको एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं है बॉस. अच्छी एक्टर बनेगी, पहले से ही एक्ट्रेस है. हेलो सर, इसका ध्यान रखना, कहीं फिर से ना कूद जाए.
चलो चलते हैं सर। किशोर। हाँ बॉस। उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया। क्या बॉस? कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। चल चलते हैं। ठीक है चलते हैं। लेकिन कसांड्रा नहीं जाएंगे। मैं यहाँ की लड़की से नहीं मिलना चाहता। कहीं दूर ले चल। कहीं दूर? बॉस मुझे एक जगह पता है, वहाँ लेकर चलता हूँ। लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बॉस। हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी। वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी और मेरी फैमिली को इम्प्रेस करेगी। मैं वहाँ की एक वेटरेस को जानता हूँ सर, बहुत सुंदर है वो। फिर तो मेरी फैमिली शादी का मुहूर्त फिक्स करके ही मानेगी। मैं वहाँ महीने में 3 बार जाता हूँ, सिर्फ उसे जी भर के निहारने के लिए सर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप उसे पता ही लोगे। शादी के कुछ दिनों पहले? नहीं, शादी के ही दिन। समझ गया। पहले से सेट होगा। वो लड़की एक लेटर लिखेगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी और फिर वो गायब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, अब मेरी उससे शादी करवा दो। और उसके गायब होने के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूंगा कि मेरी फैमिली दोबारा शादी करने के लिए नहीं गई। मुझे आपका स्टाइल पसंद आया। अगर आप मुझे बूस्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आज ही मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूंगा। अद्भुत, प्रशंसनीय। यहाँ तक कि महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कभी इतना जबरदस्त नहीं सोचा। यस सर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया है सर। मैं भी अब सिंगम बनना चाहता हूँ सर। ध्यान दे, ध्यान दे। हाँ सर, हाँ सर। Here it is. Good morning, sir. Oh my God, sir, पहले ही काम पर लग गए। One espresso, disposable glass में। No coffee. Should I get you something else? हाँ। Hey किशोर। Boss। Hey किशोर। हाँ। मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे कॉफी चाहिए थी। You wanna sit? No, I will sit. Okay. आपके फ्रेंड तो यहाँ पर अक्सर आते हैं। आपको तो पता है ना, यहाँ कॉफी नहीं मिलती। तुम इंडियन हो क्या? ए किशोर, तुम इंडियन हो? तो प्रॉब्लम क्या है? इंडियन लड़की फर्स्ट टाइम देखी है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अवंतिका। अवंतिका, बहुत ही प्यारा नाम है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूँ? प्रस्ताव? प्रपोजल? रखो 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 सर, रखो रखो सर, रखो रखो सर। जो मांगोगी वो मिलेगा। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मेरी प्रेमिका बनना हो। एक्सक्यूज मी, मुझे गलत मत समझो, मैं उस तरह का नहीं हूँ। बताना किशोर। Yes, ma'am. He's a perfect gentleman. In fact, he's a cold-blooded virgin. हम कहीं और चले, खुलकर बात करते हैं। Boss. So, let me get this straight. 2 हफ्तों के लिए आपकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को इम्प्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा। ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, सही है। मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता, तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ? इम्पॉसिबल। नेवर फॉलन इन लव? आई डोंट फॉल इन लव, आई ओनली मेक लव। अगर किसी को भूख लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बनाए। पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम की बात करो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। By the way, what do you think I am? A hooker? अगर हुकर चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। Okay. अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम ही बोल दो। 2 हफ्ते मतलब 14 दिन और रोज के 2 घंटे, so 28 × 5,000 euros per hour, 140,000 euros। क्या कहा? 1,35,00,000 रुपए? सर इतने पैसे मुझे दे दो, ऑपरेशन करवा के मैं लड़की बन जाऊंगा। I'll put some red hair also for you।
पूरे 15,000 यूरो दूंगा। अगर ठीक लगे तो बता देना, नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़ देगा। 30,000 यूरो मंजूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी, किशोर की जरूरत नहीं है मुझे। 20,000 फाइनल। ड्रॉप कर दूं मैं? मैं ये कर देती हूँ, लाओ। पता नहीं इमली कहाँ रखी है। एक अच्छी खबर सुनानी है। 2 साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। तूने अब तक ये बताया क्यों नहीं? अब जरूर इसे बताया होगा, तूने क्यों नहीं बताया ना? क्या भैया, आपने मुझे भी नहीं बताया ना? मैं तुझे क्यों बताता, तू भी तो मेरे खिलाफ थी। मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुम शादी के लिए जिद करते और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन अब बता रहा हूँ इसका मतलब। ए, 2 साल तक बताया क्यों नहीं? लड़की है या फिर वो किशोरी है? चुप कर ना सुनना। वो कैसी दिखती है भाई? वो इंडियन तो है ना? बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। अवंतिका, अवंतिका यहाँ ना, यहाँ। हाय, जल्दी आओ, जल्दी आओ। What's up? ये लो प्रपोजल। क्या बात है, आप इसके लिए सच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? You're really weird, you know that, right? Okay. This is to hereby place on record that I, Sambashivarao. Wait a minute, Sam कहा था ना? आपका नाम Sam नहीं Sambashivarao है? जब मैं पैदा हुआ तब सांबा शिवा नाम बहुत चलन में था। अब इसे पढ़ो और साइन करो। Sorry, okay, Sambashivarao जी, okay. एक मिनट, फर्स्ट मीटिंग में फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे? व्हाट नॉनसेंस। एहसान मानो कि मैं उनसे मिल रही हूँ। प्लान आपका है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अगर ये प्लान फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी फैमिली से मिलने से पहले मुझे 40% नॉन रिफंडेबल एडवांस चाहिए। 2 हफ्तों में प्लान काम करे या न करे, मुझे बाकी के पैसे दे देना। ओके, ठीक, मैं पहले एडवांस दूंगा। अगर तुम रिजेक्ट हो गई तो बचा हुआ 60% मैं नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारा ये सौदा कैंसिल। कैंसिल? बार्गेनिंग डिस्कशन नहीं हो पाएगी। क्या है कि ये थोड़े से ओल्ड इंडियन मैन है। 1928 बैच के हो? हाँ। ये 1928 बैच वालों की हिंदी तो बहुत प्यारी होती है ना? खाक प्यारी होती है। मुझे तो इन लोगों की हिंदी डरावनी लगती है। तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे, मेरी फैमिली थोड़ी क्या बोलते हो, कंजर्वेटिव टाइप। क्यों, आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो? अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। आपकी फैमिली को कैसे इम्प्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। ठीक, तुम्हारी मर्जी। एक मिनट, शी इज कॉलिंग। बाय सांबू। Hey. Excuse me, आप अंदर नहीं आ सकती, आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? You like me, no? Very much. I like you. अगर ये डील सेट नहीं होगी तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। सोचेंगी, सोचना जरूर सोचना।
आउट हाउस में वेट करना था, अंदर क्यों आ गई? अच्छी लग रही है। यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं। This is just me making sure your family likes me. बालों को कलर करके सही किया है। अच्छा है। I'm glad you liked it. इसका बिल मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैं क्यों भरूंगा? फिर से लाल करवा लूं? ठीक है, भर दूंगा। ड्रेस कैसी है? क्या बोलते वो? क्लासी। ग्रेट। इसके भी पैसे आपको देने हैं, ओके? सर, डील कैंसिल हो गई ना? लेकिन क्यों? डील ओके है क्या? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मुझे रफी साहब के गाने पसंद हैं। क्रिकेट में सचिन से ज्यादा मुझे द्रविड़ पसंद है। What? सचिन से ज्यादा द्रविड़ पसंद है? तुमसे तो मैं कभी शादी ना करूं। मुझे बीटल्स भी पसंद है। बीटल्स? Of course, आपके जमाने का फेमस बैंड है। अच्छा, आप परफ्यूम बनाते हैं ना? फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है? अगर सच कहूँ तो चंदन की, और अमेज़न में मिलने वाला वो एक। अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो बहुत रोमांटिकली बोलना, मेरी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, समझे? इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। अब आप मेरे बारे में जान लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वो कुछ पूछेंगे, जो मन में आएगा बता दूंगा। तुम बस हाँ हाँ बोलते रहना, समझी? जो हुकुम मेरे आका। उसे सारे मसाले पता होने चाहिए बस। माँ, बाकी दही दूध। सैम, आओ बेटा, आओ आओ ना। ये मेरी एक मिनट, मैं बताती हूँ। आप संगीता जी हैं? आप फैमिली बिजनेस का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखती हैं? आप हैं संगीता जी के हस्बैंड, और आप हैं श्वेता, नहीं आप हैं स्वर्णा, और आप हैं स्वर्णा जी के हस्बैंड, एंड यू मस्ट बी सैम्स डार्लिंग सिस्टर श्वेता, और आप हैं श्वेता के हस्बैंड। इंट्रोडक्शन तो अच्छा था, पर ये सब कैसे जानती हो तुम? सांबा शिवराव जी, आज की जनरेशन के पास फेसबुक नाम की चीज है, जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट है ना? सच में मुझे नहीं लगा था सैम को ऐसी लड़की मिलेगी। अवंतिका, यहाँ आओ अवंतिका। माँ माँ, क्या? That's your mother? Are you kidding me? I'm so sorry, आंटी, I'm so sorry. आप इतनी यंग लग रही हो, मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड हैं। I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। आंटी, ऐसा नहीं है, बल्कि सैम आपका बड़ा भाई लगता है। ये पहली बार घर आई है, इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी, है ना? ये मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फालतू ड्रामा करने की क्या जरूरत? बस भाई से शादी कर ले और कुछ नहीं। अच्छा है मैंने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने। तुम क्या करती हो बेटी? आंटी, मैं वैसे तो वेट्रेस का काम करती हूँ, बट आई एम अ पोएट। अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कविता लिखती है ना? इतनी एज डिफरेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। चलो भाई की पसंद तो सुधर गई। तुम्हारे घर वालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच उम्र का काफी गैप है। मेरे मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, मैंने लगभग 8-9 सालों से उनसे बात नहीं की। ओह, तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी?
ऐसा नहीं है, उनके लिए तो मैं एक परेशानी हूं। इसलिए जब मैं आपकी फैमिली को देखती हूं तो गुड आंटी। एक बात बताऊं, पहले मुझे कंफ्यूजन था सैम को लेकर, लेकिन ऐसा खाना खाकर लग रहा है कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे। मुझे शक है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं। मुझे लगता है इस बारे में इससे बात करनी चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत स्वीट हो। I had such a lovely time. So? शादी का मुहूर्त निकलवाने की सोच रहे होंगे? Good. By the way, 2 hours 10 minutes हो गए हैं, तो 3rd hour का चार्ज लगेगा। कितनी अच्छी थी। क्यों, कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी। 2 हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है, 6 महीने तक वापस नहीं आएगी, तो इसका मतलब समझे तुम दो हफ्तों में शादी करने वाले हो। आपको भूलना होगा, फिर मैं कहूंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है, और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा, फिर मेरे प्लान की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कैसा लगा? एकदम वाहियात। तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है। इस बार हम तुम्हारा घर छोड़कर कहीं और रहेंगे, एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे, और हाँ रेंट मैं नहीं दूंगी। पर क्यों? हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा, इन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, इट विल बिल्ड प्रेशर, जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर में मैं बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाती हैं, मेरे पास नहीं रहती। तुम्हारा ये साथ रहने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। ओके सामू, वेट। ओके फाइन है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। माँ। आंटी। आंटी क्या? मैं यही हूँ। माँ अवंतिका को पसंद करने लगी है, मुझे नहीं पता अवंतिका को घर लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। धीरे धीरे कहीं मैं इस दलदल माफ किया भी या नहीं। अब जिसने उसे धोखा दिया, अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। दाल में कुछ तो काला है, कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं। इस वक्त दीदी का फोन। हेलो मैडम। हे किशोर, कहाँ हो तुम लोग? सैम से बात कराओ मेरी। मैं उन्हें लेकर आता हूँ ना। नहीं, बस इतना बताओ तुम दोनों अभी। ठीक है, लोकेशन भेजता हूँ। हाँ जल्दी करो। हाँ अभी भेज रहा हूँ। जल्दी करो। भेज दिया। ठीक है। ओके। लेडीज और शक। शिट, लोकेशन भेज दी सर। सर
सर दीदी का फोन आया था, उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर दिया। मैंने उठा लिया सर और गलती से मैंने यहाँ की लोकेशन उनको भेज दी सर। क्या? हाँ सर। एक नंबर का गधा तो मैं हूँ सर। सर आई आप देवी हैं, माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये जो ज्वालामुखी अपने रुकने वाली सर, जितना आप रुकोगे उतना ठुकोगे। अरे रुक जा मेरी माँ, भागो सर, भागो भागो। किशोर क्या सोच कर तूने जीपीएस लोकेशन भेजी? सर वी कैन डू इट सर, रन सर, रन रन सर। रुको सोना दीदी आप, मैंने तो देखा ही नहीं। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा बताओ तो? मैं आपको कॉल करने ही वाला था। चलिए रेस्टोरेंट बैठकर बात करते हैं। अरे रेस्टोरेंट ऊपर नहीं, नीचे है वहाँ। चलो इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत लजीज है। अरे तुम यहाँ हो, यहाँ पर है रेस्टोरेंट, नीचे चलो। चोर पकड़ा गया, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है किशोर। किशोर क्या मुसीबत हो गई है? चलो आ जाओ, चलो भी। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पिक के लिए नहीं लेक के लिए आए हैं। क्या अवंतिका वापस आ गई है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? तुम सुधरोगे नहीं क्या? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। किशोर मुझे आ ले रहा है। किशोर ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैडम वो तो मैं क्या, बॉस बॉस प्लीज यू टेक ओवर। दीदी ये सब प्यार की वजह से हुआ है। ये लड़की जो डांस कर रही है ना, किशोर इससे प्यार करता है। कौन सी, कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की तुम चाहते हो? बता दीजिए। वो वाली, वो वाली, उससे मैं प्यार करता हूँ। सही कहा, मेरे टाइप की। क्या चल रहा है? वो हम उसे समझाने आए थे कि वो ये सब छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। बाय स्वर्णा। बाय कर रहा है, मैं तुझसे बात करने आई हूँ, चल। बाय सर। बाय तेरी तो, चल चल मेरे साथ। ये चल, क्या कर रही हो स्वर्णा? चल मेरे साथ। बात तो सुनो तुम। किशोर मामा जी हमारे साथ आए थे, पता नहीं कहाँ रह गए, वो ऐसी जगह में कभी आते भी नहीं। और कलयुग है ए ऊपर वाले, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे अरे कहाँ है ये सर? व्हाट्स दैट स्मेल? इत्र, गुलाब का इत्र। आई रियली लाइक इट। यू लाइक इट? हे हे शो मी दैट। Oh wow! What is the smell? So exotic! You apply? I supply? No. Show it to me. No, I want it. No, leave it. I want it. Give it to me. Hey, stop it. Hey, I want me. Hey, wait for me. Hey, I'm going. सच सच बताओ, अवंतिका ने तुम्हें माफ किया? वो शादी के लिए तैयार है? पता नहीं सोना, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं बस माँ के घर आने का इंतजार कर रहा हूँ। माँ, माँ को घर ले जाओ। चलिए माँ। आइए माँ। आराम से, आराम से। तुमने हमारी बहुत मदद की है, हमें बड़ी खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया। कोई बात नहीं, मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ की नहीं। चिल, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। हे स्वर्णा, मुझे सैम पर भरोसा नहीं है। सैम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24/7 नजर रखनी होगी, तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ। चलेगा ना? हे भगवान, तुम दोनों ऐसा बकवास आइडिया को मान कैसे गई? शादी से पहले एक साथ रहना हमारी संस्कृति नहीं है। फेसबुक ने हमें तुम्हारी सारी संस्कृति के बारे में बता दिया है। वो सारी फोटोज फेक थी, उन पर यकीन मत करो। हाँ, सब ठीक है। ये भी रखा, सारा सामान ले आए। चलो हम चल रहे हैं। बाय बाय। और भी बहुत सामान, चलो चलो। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा।
जरा रुको। मैम अवंतिका यहाँ आ चुकी है। ओके। उन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने दो। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम। बेवकूफ, इसका मतलब क्या कहते हैं उसे? प्राइवेसी। प्राइवेसी चाहिए उन्हें। ओ प्राइवेसी, मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा, फुल प्राइवेसी मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है, प्राइवेसी? किशोर यहीं रहेगा और सुन, अपना सामान उठा और सारा का सारा अंदर रख। ओके सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ओके सर, आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। किशोर आज से हमारे साथ रहेगा, बच्चों के कमरों में, ठीक है? मैम, सर से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैम वे आर वेरी बैड, सर से मैं बगैर रह नहीं पाएंगे। सर मैं आपके कार में रहूंगा। सर बचाओ, सर सेव मी सर। अवंतिका। हाय। नो स्मोकिंग। व्हाट द हेक सैम, तुम्हें पता है वो सिगरेट कितनी महंगी थी? तुमने उसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पैसे भी देना पड़ेगा तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए मैं लोगों से इतनी नफरत करता हूँ। ये जगह कोई बार नहीं है। उतरो उतरो। अब यहाँ के नियम सुन लो। यहाँ का एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूँ। तुम यहाँ परफ्यूम भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लगा सकते। चल शंभू सर, नेक्स्ट टाइम बाहर जाके स्मोक कर लूंगी। वैसे भी मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारे पास से तो खुशबू आ रही है। ये मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। नामुमकिन। तो ठीक है, मत मानो। वैसे भी तुम्हें चीजों से इतना लगाव क्यों है? हटो। वियर्डो। ये मेरी ओसीडी है, इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या शंभू जी, यू नो यू आर रियली फनी राइट? एक्चुअली तुम अकेले रहने ही लायक हो, कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही हो। अवंतिका, अवंतिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, टेक इट। थैंक्स। कैसी हो? बोलो क्या चाहिए तुम्हें। गुड आफ्टरनून अवंतिका, मैं यहाँ कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बोलो। क्या? सॉरी। आई एम रियली सॉरी अवंतिका। इसके पश्चात आपके लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हो, जहाँ शेफ सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाए? देखती हूँ मेरा क्या मूड बनता है। इसके पैसे दे देना। मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्खी जूस है। अवंतिका,
ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ। इसी का तो मुझे डर है। आ जाओ, गर्मा गर्म और लजीज खाना रेडी है। इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्यों ना हम सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखते हुए खाएं? हम पहले यहाँ खा लेते हैं, फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखेंगे, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा नहीं? ओके मिस्टर ओसीडी सर, अच्छे बच्चों की तरह हम यहीं पर बैठकर खाते हैं, ठीक है? Cheers. Cheers. ये लो ब्रेड। थैंक यू। सुनो अवंतिका, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं, कुछ अपने बारे में बताओ ना। ओ मैडम, आराम से। मैं हैदराबाद में पैदा हुई थी। जब मैं 7 साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके 1 साल बाद अमायरा का जन्म हुआ। मतलब तुम घर में मंझली बहन हो। अनन्या दीदी, 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी और उनके हस्बैंड की मौत हो गई। हे भगवान, I'm sorry. It's okay. But Amira, वो झल्ली मेरी जान है। My baby is my everything. उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में अमित नाम के लड़की से मुझे प्यार हो गया। घर वालों को वो पसंद नहीं था। उन्होंने समझाया कि उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैं अमित के साथ लिस्बन भाग गई। इससे मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए। उन्होंने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पर कभी कभी अमायरा से बात होती है। अमित के बारे में उनकी राय सही थी। मेरा और अमित का साथ कुछ ही पल का था। उसके 3 साल बाद मैं वापस पोर्चुगल आ गई। इसी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेट्रेस बन गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहिए? मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी, अब वापस नहीं जा सकती। अब फैसला करने का हक मुझे नहीं, उन्हें है। होपफुली समडे आई मिस देम। अमायरा। हेलो हेलो अमायरा, हेलो। मियो का मोबाइल है। यहाँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम मेरा फोन यूज कर लो। श्योर। हाँ बेबी मैं हूँ। ये किसका नंबर है? ये मेरे रूममेट का नंबर है। इसे भी सेव कर लो, इमरजेंसी में इस पर कॉल कर सकती हो। रूममेट? बताया था ना सांब शिवराव के बारे में, जिसके साथ मैं टेम्पररी रूम शेयर कर रही हूँ। ओह दैट हॉट ओल्ड मैन। हाँ हाँ पता ना उसके बारे में। हाँ हाँ वही हॉट ओल्ड मैन। ओह वो तेरे साथ है क्या? बोल ना, तो बात क्यों नहीं कर रही है? तेरे पास नहीं बैठा है क्या? हाँ यही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आई लव यू, बाय। बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। हॉट ओल्ड मैन। I'm so sorry. मैं टिश्यू लेकर आती हूँ और इसे साफ कर देती हूँ। चिल अवंतिका, वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूँ, पर मैं कितना कूल हूँ ये नहीं पता। Uno, basta.
नाइस बाइसेप्स। तुम्हें कसरत करनी चाहिए, हरी भरी लड़कियां जो पसंद है तुम्हें। चलो चलो चलो, रुक क्यों गए, चलो ठीक से करो। 1, come on, 100। ओके सांबू, ये तो बताओ अगला प्लान क्या है। सारा प्लान बनाया जा चुका है, रिमोट देना। हमारी पहली टारगेट होगी मेरी बहन श्वेता। मुझे नहीं पता श्वेता, वो मेरे, अरे मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे डायपर संभालने को कहा था। एक काम ही ढंग से नहीं कर सकते ना। संभालने का काम तो तुम्हारा था। शह, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, हमेशा घर में ही रहते हो। और क्या करूं? मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा। जब यहाँ आया तब पता चला कि मुझे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने के लिए लाया है। इस घर में पैंट तुम नहीं ये पहनती है, तुम तो जानबूझकर कुएं में कूद गए। तुम्हारी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है, मुझे तुम पर दया आ रही है। हमारी दूसरी शिकार होगी संगीता। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, ये हेयर स्टाइल बहुत बुरी लग रही है। नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है, अच्छी लग रही है। हे अवंतिका, ये अच्छी लग रही है ना? जी, इतनी वाहियात हेयर स्टाइल। सही कह रही हैं आप, मुझे भी ये हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। पर मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनी। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मम्मी तो बेवकूफ है। अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो इनकी तरह बन जाओगी। ऐसा बनना है? नहीं नहीं। तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। मैं दिखाऊं? इसे कट कर ले। क्या अवंतिका ने ऐसा किया? वो खुद को समझती क्या है? ये तो सासर बदतमीजी है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंत उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता हूँ। अपना मुंह बंद रखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। पर मेरे लिए वो समझती क्या है? अभी वो परेशान है। परेशान वो नहीं है संगीता, परेशान मैं हूँ। वो मेरे परिवार की बेइज्जती करे और मैं देखता रहूँ? कभी नहीं। अब छोड़ ही करो, वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, माँ के लिए आई है। दया कर रही है हम पर। और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारी हड्डी पसली कर देती, समझे तुम? मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अब मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना, हमारी बात मान जाओ। स्वर्णा अब तेरी बारी है। इस पर पहले अवंतिका का हक है। छोटा सा पीस मुझे केक का देना। इतनी सारी कैंडल्स, लगता है आप सेंचुरी मारने वाली हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे फेस पर लगा ना, आप चलो खाओ लो। आंटी, आपके बच्चों की उम्र देखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है। हाँ, कॉमा के बाद आप पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना? ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा दिन टिकेंगी। अवंतिका, ये तरीका तुम्हारा माँ से बात करने का? ए, शांत हो जाओ, ठीक ही तो कह रही है। सभी कहते हैं मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी है, सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। तुम्हारी बदतमीजी पर भी इन लोगों को तुम देवी नजर आ रही हो। कोई बात नहीं सैम, मेरे पास भी कमीनेपन का सर्टिफिकेट है, अब मैं इसे अपना ए सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। मतलब? मत करो सर, शुभ काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती।
लेकिन मैंने तो भोड़ दिया। ब्लडी साइको फैमिली। हाँ You look very sexy today, Suvarna. अच्छा मजाक कर रही हो? मैं सेक्सी नहीं दिखती। ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। मुझे लगा ये बकवास है पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर। अरे सिर्फ अच्छी नहीं बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। ये कौन सा परफ्यूम है? वही है पुरानी वाली। मैंने श्वेता को नया वाला दिलाया था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। हाँ सही बात है। जरा मेरे साथ आइए। रुको ना। अरे कहाँ ना आइए। अरे छोड़ो। अभी से जाते हैं। क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। ओए थैंक यू। अरे लेकिन बात क्या है? क्या तुमने सोना को किस किया? उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। तुमने देखा नहीं? अपने हस्बैंड को बेडरूम में लेकर गई। उसके बाद क्या हुआ? ए, सैम। चलो। ओके, बैठो। तुम चलो, मुझे जरूरी काम है। थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? तुम कहाँ जा रही हो? कैसा साल लो? अरे कैसा साल लो तो रास्ते में है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे ओए किस किस इधर आना। लाइफ में रोमांस नहीं और नाम की शुरुआत में किस। किशोर बोला करो जल्दी। बाथरूम वहाँ पर है, जल्दी चले जाओ। बात तो सुन, मुझे रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। रोल पेपर हो या पेपर रोल हो क्या फर्क पड़ता है, काम तो एक ही करते हैं। यार ये मतलब नहीं है, मैं सुट्टा की बात कर रहा था। सुट्टा मतलब क्या चीज? अरे सुट्टा नहीं जाता। नहीं गाजा। What the hell is this, sir? ये आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूंगा, मैं इसे अपने गांव से लाया हूँ। मतलब फ्लाइट से? हाँ। वहाँ की सिक्योरिटी ने आपको पकड़ा नहीं? अरे मैं इसे चट्टी में छुपा के लाया हूँ। ये पूरी तरह से इलीगल है सर, इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो सर। ये आप एंटी सोशल और एंटी नेशनल हरकतें कर रहे हो। धीरे बोलना, धीरे बोल। एक हफ्ते से मैंने सुट्टा नहीं मारा, कोई कोना ढूंढ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है? देखिए सर, कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर, आप खुद सोचिए। इसके अंदर जाते ही हम जन्नत की सैर पर निकल जाएंगे। नो सर, आई विल नॉट अलाउ दिस, यू विल हैव टू बी साइलेंट, जस्ट बी साइलेंट। साइलेंट सुनना, आई सेड साइलेंट, आई विल नॉट लिसन दिस। अरे क्या कर? ओ माय गॉड, प्लीज सेव दिस फैमिली फ्रॉम दिस इलीगल इंट्रूडर्स। किशोर, किशोर, अब जाकर पंछी आजाद हुआ है, अब इसे उड़ान भरनी है। पर इसका क्या मतलब हुआ? तूने देखा? हाँ देखा मैंने। अब देखना, ये अच्छा आसन है, मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी हेडेक। ए किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल गैस ऑफ कर दे, जा। ये घर में इतना धुआं क्यों फैला रखा है? दम घुट रहा है। ए किशोर, क्या क्या कर रहा है? हाँ आई डोंट नो बट इट्स क्रेजी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अरे 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 ओ जस्टिन टिम्बर भाई, तू रो क्यों रहा है भाई? मुझे याद नहीं है। तो फिर किस बात के लिए रो रहा है? जो भूल गया उसे याद कर रहा हूँ। तूने बहुत अच्छा किया किशोर, जो इसे जला दिया, सभी को जन्नत की सैर करा दी। वैसे ये सैम कहाँ पर है?
उसके प्लान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या रे महेश, तू हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैं कुछ नहीं करूंगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, समझी दीदी? मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, पर वो लड़की क्या नाम उसका? अवंतिका। हाँ, अवंतिका। वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई और आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगा? वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। वो सैम की दीवानी हो गई है। पर उसकी दीवानी उसके बर्ताव से मैच क्यों नहीं हो रही है? उसकी बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा दीदी, मैं एक बात पूछूं? पूछ। वो सैम को लेकर चली गई, फिर भी आपको कभी अकेला महसूस नहीं हुआ? मैं बस अरे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चढ़ने मत दीजिए दीदी। अगर आप ऐसे ही सहती रही ना, तो वो आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी। फिर आप क्या करेंगी? तब कैसा लगेगा आपको? हा? कभी सोचा है इस बारे में? एक किशोर जाकर गैस बंद कर देना। ऐसे क्यों खड़ा है? लग रहा है जैसे कोई छमिया अपने कस्टमर का इंतजार कर रही हो। छमिया जाना। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। राफेल, आई नीड टू गो टू द लू। क्या का? टंकी खाली करने। आई डोंट नो, आखिर मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ? कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी यार, यू कम। आ जाओ सर। ठीक है, मैं ही आता हूँ, शर्माने से कुछ नहीं होगा। हे, मुझे मारेगा तू? हे भगवान, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है इसे जोर से लगी हुई है। ब्लडी डार्क फेलो, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। सॉरी सर, पहले आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा सर। मैंने सॉरी बोला ना सर? कुछ तो बोलिए ना सर। जब मैं बोलूं तब मत बोलिए, मेरे बाद बोलिए। ठीक है सर, मैं तीन तक गिनती गिनूंगा, फिर आप बोलना सर। ओके, वन। मैं एक नंबर करने आया हूं। मैं यहां एक नंबर करने ही तो आया हूं। हाँ मायरा। हेलो, मैंने अभी तेरा मैसेज पढ़ा, तो अमित से मिलने क्यों गई है? तेरा दिमाग तो ठीक है? Are you crazy? Relax, kiddo. It's not like I want to meet him. मेरे कुछ जॉइंट अकाउंट अभी भी उसके साथ हैं। उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है और वो मेरे पैसे लौटाना चाहता है, बस वही लेने जा रही हूँ। लिसन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी घर आ जाओ। अमायरा, प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम उससे दोबारा मिलो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय अमायरा। प्लीज, नो, लिसन। हेलो, गिव मी द मनी अमित। बस ऐसे ही फॉर्मल हेलो करूंगी, गले नहीं लगाओगी? दिल में प्यार बचाने शायद, लेकिन यार तो आज भी हूं ना तेरा। कम अमित। अरे कम ना बाबा। अमित, गाइस, कुड यू प्लीज? शो मैन, प्लीज गो अहेड। इट लुक्स लाइक शी इज हिज एक्स गर्लफ्रेंड। अमित, मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। बैठो ना यार, इतने सालों बाद मिले हैं, दो चार बातें तो कर ले। तुम्हारे पैसे हैं, दे दूंगा। मैं बदल गया हूं यार। हेलो सैम, मैं अमायरा, अवंतिका की छोटी बहन। हाय अमायरा। अवंतिका कहीं बाहर गई है। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया है, तुमने उसे अमित से मिलने के लिए क्यों भेज दिया? मैं समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है? तुम्हें पता है उसने उसके साथ क्या किया था? नहीं अमित, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट। सी, तुम जरा भी नहीं बदली।
अमित, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन तुम जब से आई हो तब से साला फोन बजा ही जा रहा है। अमित, गिव मी माय फोन। अरे चिल यार, नहीं दूंगा, फोन ही तो है। एंड नाउ लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। अमित, डोंट बी रिडिकुलस, गिव मी माय फोन। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन दो। आई एम बीइंग रिडिकुलस? रियली? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, सोचा बिना किसी डिस्टर्बेंस के बातचीत करेंगे। I was being so sweet to you. I even offered you to pick you up, but you refused. Wow. Amit, you know what? मुझे अब जाना चाहिए। Just give me my phone and I'll leave. अरे हद है यार, हाँ? Just because I didn't let you talk to this Sambhashiv Rao, हाँ? है कौन ये बैंड का ठक्का? कौन है ये? एक मिनट, is this the guy you're seeing these days? Come on, tell me, sir, tell me. You need to keep your voice down. No, I won't keep my voice down. No, sir, please. I paid you good money and I will talk to my girlfriend as I please. Shut up. Please. What? Stop, Amit. Sir, if you don't lower your voice, I need to call the cops. Please call the cops. Call them. Just give me my phone and I'll leave. Phone chahiye tujhe. I'm telling you, please. Le. If any one of you guys touch me, I'll break your face. Just take this man out. दरवाजे से टकरा गई। चलो घर चलते हैं। सैम, प्लीज सैम। सैम। सर, नो, आई सेड यू डोंट अंडरस्टैंड। तो ये है तेरा संभाषिव राव। अरे बाप रे, अरे मैंने तो सोचा था कोई जवान लौंडा होगा, ये तो आधा बुढ़ा निकला रे। मारो उसे। नहीं, नहीं, प्लीज सैम, रहने दो। मारो इस कमीने को। सैम, प्लीज। मारो इस कमीने को।
तुम इतनी बड़ी बेवकूफ, अगर कोई तुम्हें दोबारा मारे तो उसका सिर फोड़ देना, या फिर मुझसे कहना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कर रही हो? सीट बेल्ट। कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक हिम्मती लड़की हो, वैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, वहीं ठोक देना चाहिए रस साले। मारो इस कमीने को। हे कम। इट्स ब्यूटिफुल आउट हियर। यस वेरी मच। मुझे कुछ कहना है। मैं कुछ सालों से नए नए परफ्यूम बना रहा हूं, पर मेरे क्लाइंट्स हैं कि हमेशा रिजेक्ट कर देते, पर इस बार मैंने जो परफ्यूम बनाया है उन्हें वो बहुत पसंद है। तुम देखोगे? तुम्हारी महक। कैसा लगा? कल हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। आज तुम्हें सभी से झगड़ा करके सब खत्म करना है, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। क्या हुआ बॉस, आपने यहां पर बुलाया? मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता। ये आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस। अवंतिका है ना? मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको एहसास हुआ है या नहीं। यू आर इन लव। आप उसे कहते क्यों नहीं हो बॉस? ये तो क्या कह रहा है? मेरी उम्र देख और अवंतिका की उम्र देख। आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो समझा नहीं, ये लड़की उन लड़कियों से अलग है, वो सब आने जाने वाली थी। मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ, पर ये लड़की सबसे अलग है। मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, तो जब से अवंतिका मेरी जिंदगी में आई है, उसकी हंसी, उसका बोलना, उसका गुस्सा, मैं अवंतिका को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे डर है। मां ने एक बार मुझसे कहा था कि हर चीज का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बेटा, पर उस वक्त मैं नहीं समझा कि जिंदगी के सही मायने क्या होते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, पर अब जाके मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। अगर अब मैं अवंतिका से अपने दिल की बात कहूं, ये खुदगर्जी होगी। कैसी खुदगर्जी बॉस? आपको लगता है कि उम्र बीच में आ रही है? कभी आपने उससे पूछा क्या? एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ये गलती उससे दोबारा हो। अवंतिका के लिए ही अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाऊं, क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
दीदी, बहुत टाइम हो गया देखो। आपके बेटे को तो अपने और पराये से कोई मतलब नहीं है, पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई है। मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है। वैसे अब कुछ भी हो, पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जब भी बुलाऊंगी तुझे दौड़ कर आना पड़ेगा। दीदी का ख्याल रखना। नमस्ते मामा। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। बैग में ले लेता हूँ। ले। वो जल्दी आ जाएगा। अवंतिका, जैसी बात हुई थी तुम्हारा फाइनल चेक रेडी है। काम पूरा हो तो ये मिल जाएगा। गुड, डोंट वरी, आज सारा खेल खत्म हो जाएगा। अरे अवंतिका, खाना अच्छा बना है, अवंतिका को आने दो। हेलो। हाय। माँ, आपको कुछ चाहिए? आपको गोभी के पराठे दूं? अवंतिका को दो बेटा। अवंतिका, गोभी के पराठे? क्या हुआ अवंतिका? अवंतिका क्या? नहीं चाहिए। खा लो खा लो खा लो, क्या लगा रखा है? हाँ, हर रोज बस यही खाते हो क्या? एक ही चीज हर रोज। बात यह है, सैम के पापा को गोभी के पराठे बहुत पसंद थे। वो हर संडे गोभी के पराठे ही खाते थे। उनके जाने के बाद हम उनकी याद में हर संडे गोभी के पराठे ही बनाया करते हैं। किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही है यह। वो तो मर चुके हैं, आप हमें क्यों टॉर्चर कर रही हो? मुझे लगता है आपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला खिला कर मार डाला और अब मुझे भी मारना चाहते हो। Stupid people, bloody sentiments. मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉर्चर हम सबके साथ भी होगा। What the hell? तुम्हें कुछ कहना है बताओ मुझे। तुम्हारी परवरिश में मैंने कहां गलती कर दी बताओ मुझे। तुमने मुझे जाने दो बेटा। मुझे पता है तुम इससे नाराज हो, पर हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानती हूँ। हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं, चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बोलो कहाँ गलती हो गई हमसे? तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना? तुम सही हो, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, पर मैं
पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बेटा। जाओ यहां से, फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने क्या सोचा, पर जहां भी रहो खुश रहना। यही फाइनल पेमेंट थी ना? किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? इस सब के बाद भी माँ से शादी की बात तक नहीं की। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दोनों खुश रहे। जानते हो सच्चा कौन है? तुम्हारी माँ। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो, उनके सामने सच बोल दो और सब खत्म कर दो। पर मैं उनके जज्बातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती सैम। आखिर तुम्हें इमोशन से इतना डर क्यों लगता है? जानते हो इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है, और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, पर तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है सैम। I'm hopelessly in love with you. पर अगर तुम अपने माँ के प्यार को ही नहीं समझ पाए हो, फिर मेरे प्यार को क्या समझोगे? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है ना? कॉन्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ? Give me the money. Give me the money now. Now. अपनी माँ के आंसुओं की तुम्हें कदर नहीं है ना? एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। और नहीं सोना, बैठो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे। उसने मेरे ही कहने पर प्यार किया, एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई। और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बर्ताव का कारण मैं ही हूं। पाप किया मैंने। अवंतिका यहां से रोते हुए चली गई। वो आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, जहां वो कुछ ही दिनों में आप सबको समझ गई थी, मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाया। मैं शादी कैसे करता? मैं तो आप सबको दुख पहुंचाना चाहता था, क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरा सा भी प्यार नहीं हुआ था। पर उसके मुझसे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं यही कहना चाहता था, मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो आप सबकी माफी का हकदार भी नहीं हूं, पर अवंतिका को माफ कर देना। I'm really sorry, auntie.
आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा ऐसे ही रहो। मैं हर दिन ये प्रार्थना करूं। उसे उसे वापस लेकर आओ, जाओ 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 जल्दी जाओ सैम, जाओ ना। मैंने सब सुन लिया है, कोई नई स्कीम मत बनाना। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमने बस फैसला ले लिया, जवाब दो। हाँ जी। ए सैम, सैम अवंतिका अब सॉरी। ए, अब तुम दोनों शादी करोगे या ये भी नाटक है? आ जाओ।